शिव की अभिन्न शक्ति शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती हमारे महामिलन में कितने युग बीत गए ये हम स्वयं ही नहीं जानते। हमारा महामिलन समय और युगों की सीमा के परे है स्वामी, किंतु यकायक आपको ये क्या हो गया देवी पार्वती? अपनी गंभीरता का कारण बताएं देवी पार्वती। स्वामी, क्या आप मेरी गंभीरता का कारण नहीं जानते? आपको तो हर मन का रहस्य ज्ञात है। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी, हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी, हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेव। इस पुकार का उत्तर तुम्हें देना है महादेवी पार्वती। मेरी पुत्र कांक्षा की पूर्ति के अतिरिक्त तारकासुर के अंत का अन्य कोई उपाय नहीं है स्वामी। महादेव, रक्षा करें महादेवी, हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करें महादेवी, हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। महादेव शिव शंकर, महादेवी पार्वती, अत्याचारी असुर राज तारकासुर का अंत शिव पुत्र द्वारा ही होगा, हमारी रक्षा करें। मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये भक्ते गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ जगदीश्वर श्री हरि, जब आपके आवाहन पर भी महादेव और महादेवी ने हमारी पुकार नहीं सुनी, तो हमें यह समझ लेना होगा कि तारकासुर का वध असंभव है। देवराज सत्य कह रहे हैं परम पिता, अत्याचारी तारकासुर का वध करने वाला शिव पुत्र इस संसार में अब कभी जन्म नहीं लेगा। हम देवता होकर भी दर दर भटकने के लिए विवश हैं। निसंदेह तारकासुर अनंत काल तक स्वर्ग सिंहासन पर आसीन रहेगा। हमारी पुकार का तनिक भी लाभ नहीं होगा। मेरी विमाता दीदी सत्य कह रही थी कि शिव दैत्यों और असुरों के आराध्य हैं। वे हमारी पुकार सुनकर भी नहीं सुनेंगे। धैर्य धारण करें देवराज, आपकी विमाता दीदी ने अपने स्वार्थ के कारण भोलेनाथ पर जो आरोप लगाया है, देवराज होकर आप उसे स्वीकार कर रहे हैं? देवराज इंद्र, देवाधिदेव महादेव तो कल्याण के देवता हैं। आप इतने अधीर न हो, वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। श्री हरि, आज देवताओं के दुर्दशा के दोषी परम पिता ब्रह्मदेव हैं। यदि ब्रह्मदेव तारकासुर को शिव पुत्र के द्वारा मृत्यु का वरदान न देते तो आज ऐसी विकट स्थिति न आती। नारायण नारायण देवराजेंद्र, परम पिता पर इस तरह के दोषारोपण का परिणाम आपके हित में ना होगा। देवऋषि, इससे अधिक देवराज इंद्र के अहित में हो भी क्या सकता है? आज स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्गलोक की सत्ता
ऐश्वर्य सुख भोग के इस स्थान पर देवराज इंद्र आश्रय के लिए स्थान स्थान पर भटक रहा है। नारायण नारायण देवराज इंद्र, आप तनिक समझे, यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता आपको स्वर्ग सिंहासन पर आसीन करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रयास से कोई लाभ न मिलना हो उसे करना समय को व्यर्थ करना है। देवराज, अपनी उद्विग्नता और व्याकुलता में आप न केवल तारकासुर के अंत को और अधिक दूर कर रहे हैं अपितु शिव भक्ति में लगे हमारे मन को भी भ्रमित कर रहे हैं। देवराज, अब आप मेरा कहा माने और परम पिता से क्षमा याचना करें। आए, विपत्ति में व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है ये हम भली भांति जानते हैं। देवराज इंद्र को क्षमा की नहीं दया की आवश्यकता है। हम सब इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर सच्चे मन से शिव पार्वती का आह्वान करें, वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे।